शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज़ को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इनवीसीएन के दर्शकों का ऐसे खास मुलाकात में हम स्वागत करते हैं। भारत देश, जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि प्रधान देश है। हम सबको अपनी आंखों से एक हरियाली देखना बड़ा अच्छा लगता है। घूमने जा रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे घर में बागान होने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं ये बागान, ये झाड़ झंखाड़ जो है कम होते जा रहा है। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग इस कृषि प्रधानता का प्राधान्य देते हैं। वो चाहते हैं कि ये बागवानी हो, वो चाहते हैं कि हर घर में झाड़ हो, झंखाड़ हो, उसकी वृक्ष की, ऐसे वृक्षों की छाया में हम पनपे, हमारा बचपन पहन सकें। ऐसे ही एक शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ में है श्री ओम प्रकाश जजोदिया जी। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवनी के बारे में मैं बताऊँ, इससे अच्छा तो दर्शकों को आप ही अपना अब तक का सफर जो है हमारे दर्शकों को अपने शब्दों में बताएं कि कैसे आपने इस बागवानी को प्रायोरिटी दी और कैसे आज तक आपका ये सफर रहा। मैं दर्शकों को बता दूँ कि ओम प्रकाश जी जो है कृषि क्रांति केंद्र के संचालक हैं और ये सारा कारोबार उन्हें अपनी पसंद से चुना है और उन्हें बागवानी का बड़ा शौक है और वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जी ओम प्रकाश जी, नमस्कार सर एक बार फिर से। और मैं ये इसमें बड़ा आने का बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं 1964 में बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन किया। मुझे मेरे मौसी ने पढ़ाया, हमारी आर्थिक हालत नहीं थी पढ़ते, उनको बागवानी का बड़ा शौक था, लेकिन उस टाइम बागवानी का कोई भी मटेरियल, 1 किलो यूरिया या बीज छोटे क्वांटिटी में या खाद छोटी क्वांटिटी में कहीं नहीं मिलता था जी। तो मैंने सोचा जब भी मैं बिजनेस करूँगा तो ये पहले करूँगा, बाद में सब बिजनेस करूँगा। तो जब मैंने शुरू किया तो कृषि क्रांति केंद्र, तो मैंने ये बागवानी शुरू कर दिया। इसमें एक और दो इवेंट मज़ेदार हो गए जिसकी वजह से मैं इसमें एकदम ज़्यादा ज़ोर से जुड़ गया जी जी। और आज तो स्थिति है, मेरे तीन बेटे हैं मेरे, एक सीए है, दो इंजीनियर है, दोनों इंजीनियर फुल टाइम इसी बिजनेस में जी। जबकि वो अमेरिका जा सकते थे, फॉरेन जा सकते थे या गवर्नमेंट जॉब अच्छा कर सकते थे, नहीं किए, फुल टाइम इसी में अच्छा बिजनेस है, कोई इसमें नहीं। मतलब आपकी जो परंपरा थी, जो बागवानी का जो आपका इंटरेस्ट था, उनको एक पीढ़ी और उसको बरकरार रखी, बिल्कुल मिल गई, इसलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है सर, जैसे मैंने शुरू किया जी, चूँकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ तो कंसल्टेशन भी करते थे, तो समवेयर इन 77 हमको एक कंसल्टेशन भी लाभ दे रहे थे, नया नया मुल्ला जरा जोर से नमाज पढ़ता है। तो एक कंपनी का हमको कंसल्टेशन का जॉब मिला जी। कंपनी बहुत बड़ी थी, उसकी फेंसिंग में फूलों के और फलों के झाड़ लगाने थे जी। तो सर उस टाइम 100 रुपये का जॉब था, उस टाइम के 100 रुपये आज के 10,000 रुपये के बराबर होते हैं जी, बिल्कुल सही। तो ये तय हुआ कि हमने लेआउट दे दिया उनको, गड्ढे बना देंगे, खाद पट्टी लेबर सब उनके, हमारा सिर्फ कंसल्टेशन है। तो हमने 8 दिन बाद में फ़ोन किया, साहब बोले बहुत बिजी है, साहब लखनऊ गए हैं, फिर बोले थोड़ा टालने वाली स्थिति। नहीं, टालने वाली नहीं थी, जो भी थे। फिर उसके बाद में 15 दिन से फोन किया, साहब अभी गड़बड़ मत करो, तैयार हो जाएगा ना। फिर भूल गए मतलब भाई अब शांति, वो एक पेंडिंग स्टेट में चला गया। उसके 8 दिन बाद उनका फ़ोन आया, जनरल मैनेजर का, साहब बोले मुझे तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, यानी इतना नाराज़ के आज तक नहीं हुआ। मैंने बोला सर क्या बात हो गई, बोले सब आपकी वजह से हुआ। तो सर हमने तो आपको 2 बार फ़ोन किया था, अरे यार उसको छोड़ो, बोले आप पेड़ लगा दो सर, आप भी लगवा देते, आपके गड्ढे हो गए नहीं, बोले जाजोदिया साहब बोले गड्ढे बाद में कर लेंगे, पेड़ पहले लगवा दो। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई सर, मैंने इसमें मंथन जी, बिल्कुल स्वाभाविक है, मुझे भी हंसी आ गई। तो मैंने मंथन किया, जब एक फैक्ट्री का जनरल मैनेजर ऐसी बात करता है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट में दम है कि लोगों को इसकी जानकारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए जी। तो अपने लिए स्कोप है। तो फिर मैंने शुरू किया, तो फिर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस एरिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ऑफिसेस हैं, इंक्लूडिंग ऑर्डनेंस फैक्ट्री, हिंदुस्तान लीवर या जो भी है,
वोल्टा से इंडोरा वहाँ जहाँ जहाँ है जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट करीब करीब रेलवेज है, रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, हर जगह हम मटेरियल सप्लाई करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। तो ये हो गई शुरुआत की बात जी। अब इसके बाद में अपन आते हैं बागवानी क्यों करना है। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। सर आप क्या सोचते हैं बागवानी क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए दो कारण हैं। एक तो बागवानी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश जो है एक ग्रीनरी एक फूल रहे, दूसरा एक आंखों को सुकून मिलता है, दूसरा कि हम ये सोचते हैं कि वो उसे देखने में हमारा घर, मेरे घर के आजू बाजू में अगर मेरे बाग बगीचे हो तो थोड़ा सा एक सुकून मिलता है आंखों को और पर्यावरण की भी रक्षा होती है। असल में पर्यावरण के बारे में थोड़ा बोल दूं। जी बिल्कुल, आपका आज पर्यावरण दिन है, आप गूगल पे या कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं शॉर्ट पे बताऊं, हर साल 40 लाख लोग दुनिया में पर्यावरण रिलेटेड बीमारी से मरते हैं। ये मरते नहीं, घुट के मरते हैं जी। जैसे कैंसर है, अस्थमा है, किडनी रिलेटेड डिसीजेस है, टीवी है, तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से। और दूसरे एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ सर, आप अपने घर में भी स्वच्छ हवा रहना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप कमरा बंद रख के फ्रेश हवा नहीं ला सकते जी, वो हमको घर में भी बागवानी करना जरूरी है। तो मैंने ये 50 साल के एक्सपीरियंस में देखा था, बहुत नोट करने की बात है, कोई किताब में नहीं मिलेगी आपको, ना कोई बताएगा, मैं पहला आदमी आपको बता रहा हूँ जी, ध्यान से सुने। यदि आप चाहते आपके बच्चे होशियार हो जी, तो आप बागवानी कीजिए। आपको ऐसा लगता है बच्चों को 85% मार्क मिलना चाहिए, तो आप बागवानी कीजिए और कराइए, इसका सबूत भी दूंगा, हवा में बात नहीं करूँगा जी। दूसरा, आपको ऐसा लगता है अपना परिवार हेल्दी रहे, सुखी रहे, तो आप बागवानी कीजिए। तीसरा, आपको ऐसा लगता है मियाँ बीवी के झगड़े घर के बाहर नहीं जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है जी जी, इसके लिए आप घर की कहानी, इससे तो बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन मैं तीन फायदे आपको एकदम बता दूँ जिसकी आज ज़रूरत है। आप ट्यूशन क्लासेस के एडमिशन में लाखों रुपए खर्चा करते हैं बच्चों जी, माँ अपना काम छोड़ देती है तो बच्चे के लिए सवेरे 5 बजे उठती है, अदरवाइज किसी आदमी उसके मिस्टर ने बोला 7 बजे उठो तो 8 बजे उठेगी। तो ये एजुकेशन का बड़ा महत्व है आज के जमाने में। दूसरा, हेल्थ के लिए हम कितना भी खर्चा कर सकते हैं जी। और तीसरा, मियाँ बीवी के झगड़े में तो कितने घर बर्बाद हो गए उसका कोई हिसाब नहीं। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेरी बात आँख मूंद के मत मानिए, आप घर पे जाइए, अब देखिए जिसके आप बगीचा उसका तीनों चीज़ें है कि नहीं। यदि तीनों है तो मेरी बात पे विश्वास कीजिए, इसका प्रचार कीजिए। यदि मैं आपको अमृत दे रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पड़ोसों की आप बांटे, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। सही। इसका दूसरा कारण मैंने देखा, जब आप बागवानी करते तो प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति यानी भगवान, कोई भी धर्म का हो। बिल्कुल, ये अहम बात है कि जब हम बागवानी की शुरुआत करते हैं तो प्रकृति से हमारा नाता और दृढ़ हो जाता है। प्रकृति यानी भगवान आपको क्या देगा, ये उसकी लिमिट क्या, लेने वाले की झोली छोटी है, देने वाले की तो झोली बहुत, कैपेसिटी बहुत तगड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो प्रकृति से जुड़ता है उसको प्रकृति छप्पर फाड़ के देती है। अब ये आपको तय करना है कि आप कितना उसमें ले सकते हैं, आप उसमें कितना ले सकते हैं आपको तय करना है। मैं सर आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये बागवानी की जब हम बात करते हैं तो इसके भी कुछ प्रकार होते होंगे, इसके भी टाइप्स होते होंगे, वो क्या है? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बागवानी के टाइप है, बागवानी के टाइप को अपन इस ढंग से करेंगे कि बागवानी क्यों अपन निकल रहा है, बागवानी कैसे करें। तो कैसे करने के पहले अपने बागवानी का अपने क्या चाहिए, बागवानी जी जी रिक्वायरमेंट्स क्या है। कई टाइप की बागवानी, जैसे अपन घर है अपना, पहले प्लाट रहता था जी, उसमें आंगन है, पीछे ऐसा एक छोटा किचन गार्डन होता था, एक आर्किटेक्चरल व्यू, आर्किटेक्चरल व्यू होता था, उसका अपन बागवानी करते हैं। आजकल घर छोटे हो गए, टेरेस बड़ी हो गई जी, तो टेरेस पे बागवानी होने लग गई जी। फिर उसके बाद में वर्टिकल गार्डन होता है जी, फिर खेती में फ्रूट्स गार्डन होते हैं, वेजिटेबल गार्डन जी। आजकल जो मेट्रो तो चल रहा है वहाँ पर वर्टिकल गार्डन की ज़्यादा चलन, वो भी हम देखिए हैं। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप की आपकी जैसे जरूरत है वैसे आप बागवानी का अपना क्षेत्र चुन लीजिए और उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। मतलब अब ऐसा नहीं रहा कि आपको बागवानी करने के लिए खुली ज़मीन ही चाहिए या नहीं, जैसा कि हम सोचे मुझे एक बहुत बड़ा प्लॉट हो या कोई फार्म हाउस हो तो भी मैं बागवानी कर पाऊंगा, अब ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जहाँ चाहा वहाँ कर सकते, घर में कर सकते, दुकान में कर सकते, टेरेस पे कर सकते, बालकनी में कर सकते,
जहाँ भी आप चाहें बागवानी कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो वो बागवानी का पहले अपन यदि बागवानी शुरू करना है तो प्लानिंग कर लेना चाहिए कि अपने कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर उस हिसाब से अपन प्लानिंग करते हैं। बागवानी में नेचर का, डायरेक्शन का और सनलाइट का बहुत महत्व है जी। तो इसमें मोटा मोटा हिसाब ऐसा बताऊँगा अपन आधे घंटे में सब कवर नहीं कर सकते। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के पहले आपको ये डिसाइड करना आपको क्या चाहिए जी, क्या चाहिए उस हिसाब से आप उसका प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आपको टेरेस गार्डन बनाना है, टेरेस को वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा। घर में गार्डन बनाना है तो घर में नीचे जो ईस्टर्न साइड है वहाँ फल आप फूल लगाइए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाइए। पीछे के जो साइड है वहाँ फल सब्जियाँ आप लगा सकते हैं। जहाँ छाव है वहाँ छाव के पौधे लगाइए, जहाँ धूप है धूप के लगाइए। जैसे फल को धूप चाहिए, फूल को धूप चाहिए जी, लेकिन जैसे सब्जियाँ हैं लीफी वेजिटेबल्स जी जी, उसको छाँव में हो सकती है। कहीं इंडोर प्लांट है वो छाँव में हो सकते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, वो कोई कमज़ोर नहीं होते। अब तो प्लानिंग करना पड़ेगा। तो अपन मनी प्लांट धूप में नहीं लगा सकते, बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसको छाँव ही चाहिए। तो ऐसा एक अक्सर उसको दरवाजे में या दरवाजे के अंदर अंदर बाहर नहीं रह सकते सर वो, या बारिश में गर्मी में तो बिल्कुल नहीं रख सकते। तो और घर में भी प्लांट रखना जरूरी है, कारण घर के अंदर भी आपका एयर क्वालिटी जब तक अच्छा नहीं हो तब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए तो प्लांट से ही, प्लांट से मिलती जी, है जी, प्लांट जी, से ही नहीं नहीं मेजर सोर्स है। तो यदि आप लाइव प्लांट घर में रखते हैं इंडोर जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन स्पेस में जो जाते हैं वहाँ भी लाइव प्लांट ले जाते हैं, और वो प्लांट बहुत रेयर नहीं है, वो आप अपने यहाँ भी रख सकते हैं। जैसे अरेका पाम है, बदी प्लांट है, डायफन बेकिया है, ऐसे कई प्लांट है, तुलसी है। तो आप इसको अपने घर में रखेंगे तो आपके यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी। एक टर्म है सर जो अभी लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है, ऑर्गेनिक बागवानी या ऑर्गेनिक खेती। तो और आजकल इसका चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये क्या है और क्यों? सर बहुत ही अच्छा दमदार प्रश्न है और इसकी ज़रूरत भी है जी। क्यों ज़रूरत है मैं बताता हूँ सर। अभी अपन ने पर्यावरण की बात की तो अभी पोजीशन ही है सर, हवा सांस लेने लायक नहीं है जी, पानी पीने लायक नहीं है जी, खाना खाने लायक नहीं है। क्यों हो गया? पर्यावरण के हमने पर्यावरण को इतना आपने फर्टिलाइजर यूज किया, आप इतनी गाड़ियाँ यूज कर रहे, इतने कारखाने लगा रहे, पोल्यूशन पोल्यूशन की वजह से बड़े बड़े हस्तियाँ, मैंने उसमें वो समाजवादी है, जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, कृपा स्वामी हो, परिकर हो, नागपुर के कई लोग हैं जिन्होंने अपना ये किया है जी। अभी अभी रिसेंटली आपके ऋषि कपूर है जी, और इरफान शेख है, कई हस्तियाँ इरफान खान जो है, इरफान खान जिनकी तो है, ये एक अनएक्सपेक्टेड कम अनएक्सपेक्टेड घुट घुट के मरने वाली बीमारी है जी। तो आपको पर्यावरण को आप हल्के से मत लीजिए। आज तक कोरोना के 15,000 केस हुए, 5,00,000 केस हो गए, पर्यावरण में 40,00,000 हर साल मरते हैं सर जी। तो कोरोना पे ध्यान पूरा दीजिए, पर्यावरण पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। 40,00,000 के जो आपने आंकड़ा बताया वो अपने आप में एक एक साल की बात कर रहे हैं। एक साल में अगर 40,00,000 लोग पर्यावरण की वजह से अगर अपनी जान गंवा देते तो ये अपने आप किसी भी महामारी से बहुत बड़ा प्रकोप हो गया, और जिसको हमारे हाथ में होने के बावजूद हम इसका ध्यान नहीं रखते। तो ये बहुत अहम बात सर आपने कही है जी। और ये महामारी भी कैसे सर घुट घुट घुटा घुटा के मारती है जी। तो इस पर ज़्यादा चर्चा आपका विषय नहीं, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करें डॉक्टर इस पर ज़्यादा, या एनवायरनमेंट जी हम ऑर्गेनिक की। हाँ तो ऑर्गेनिक में क्या होता है सर, ऑर्गेनिक भी बताता हूँ। ऑर्गेनिक आपकी आज हमारा इम्पोर्ट फर्टिलाइजर का 3,50,000 करोड़ रुपये का है जी। और फर्टिलाइजर बुला के हम क्या करते हैं, हमारी हवा खराब करते, पानी खराब करते, पैसा खराब करते, किसानों की आत्महत्या तो उन पर कर्जा होता है और सब बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। यदि आपने ऑर्गेनिक यूज़ करना शुरू कर दिया जी तो मैं आपको बताता हूँ 3 साल में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, इंडिया का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर में आ सकता है। आज एक्सपोर्ट बहुत कम है और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, और इम्पोर्ट का मेजर फैक्टर 2 है, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। करेक्ट। यदि हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तो फ्यूल का भी खर्चा कम होगा और फर्टिलाइजर का भी खर्चा कम होगा और हमारे सेहत भी अच्छे होंगे। हिंदी में एक कहावत है, आप सुनिए ध्यान से, पहला सुख निरोगी का है। यदि आप बीमार है तो कितने भी पैसे हो कोई काम के नहीं है, आपको पहले निरोगी काया चाहिए। निरोगी काया चाहिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना पड़ेगा।
हवा शुद्ध होंगी तो आप निरोगी होंगे, पानी अच्छा होगा तो आप निरोगी। आपकी हवा ही खराब है, पानी खराब है, निरोगी कैसे होगा? तो आपको ऑर्गेनिक बनना है तो गाय का गोमूत्र, गाय का दूध या गाय का गोबर जी, इससे बने हुए खाद या जो भी सूखे पत्ते हैं या हमारे जो भी कुदरती चीज़ें मिलती उसको आप यूज़ कीजिए। मैं आपको दावे से बताता हूँ, ना उत्पादन कम होता है ना क्वालिटी कम होती है। हम एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे फिजिकली, मेंटली और हर चीज़ इकोनॉमिकली ऑल्सो। हम साल के यदि मान लो 10 लाख करोड़ रुपए बचा सकते हैं, और बीमारी के तो पैसे अलग, बीमार पे अपन खर्चा करके उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो आप ये देखिए, आप ऑर्गेनिक पूरी देश की और दुनिया की इकोनॉमी और हेल्थ बदल सकता है। मतलब आपका व्यापार भी चलता रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जैसे कि आपने बताया कि एक पूरे विश्व में 40 लाख लोगों की जो मृत्यु दर है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एकदम कंट्रोल में आ जाएगा जी। हम जहाँ बागवानी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, जैसा हम बात कर रहे थे कि जब हम घर बनाते हैं तो एक आर्किटेक्चरल व्यू लगता है, हम कहीं ना कहीं वास्तु शास्त्र वगैरह की भी मदद लेते हैं, तो गार्डनिंग के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग, एक व्यवस्था ये होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? गार्डनिंग में मैंने जैसे आपको बताया 3-4 प्रकार के गार्डनिंग अभी मेन लिया वैसे तो कई है जी। जैसे आपका प्लाट है खुद का, तो उसको आप एक नक्शा निकाल लीजिए, उस पर आपका कहाँ मकान है उसको आप मार्क कर दीजिए, उसमें डायरेक्शन देखिए सर, जहाँ ईस्ट है वहाँ आपको फल फूल और सब्जी में जो फल देते हैं ऐसे सब्जियाँ लगाना है, और जहाँ छाँव है वहाँ आपको शो प्लांट्स या इंडोर प्लांट्स या पत्ती वाली सब्जियाँ लगाना है। इसमें दोनों में बहुत वेराइटीज अवेलेबल है। यदि आपको टेरेस पे लगाना है तो टेरेस पे छाँव कम होगी, ये मान लो टेरेस पे छाँव है तो आपको उसमें डिवाइड करना है, जहाँ छाँव आती है वहाँ क्या लगाना है, छाँव नहीं आती वहाँ क्या लगाना है। टेरेस गार्डन करना है तो आपको पहले वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, तो उसका एक नक्शा बना लीजिए, उसमें आपको क्या क्या चाहिए वो चुन लीजिए, उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। सीजन वाइज आपको सब्जियों में क्या होना, फल क्या होना, फूल क्या होना, उसका आप प्लानिंग करेंगे तो आपको आगे मेहनत बहुत कम जाएगी और आपका बगीचा बहुत अच्छा रहेगा और आपको सुकून मिलेगा। जो फूल अपने गार्डन से मिलते हैं या जो सब्जी आपके घर से मिलती है अपनी किचन गार्डन से जी, उसका जो टेस्ट रहेगा वो बाज़ार से लाई कोई चीज़ में किसी कीमत पर नहीं मिल सकता। जो सुकून आपको मिलेगा वहाँ बैठ के वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये जब प्रकृति से जुड़ना है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम प्लानिंग करें। और मान लो आप इंडोर मनी प्लांट आपने बाहर धूप पे रख दिया और बैंगन का प्लांट घर में रख दिया, तो बैंगन मर जाएगा उधर, ये मर जाएगा इधर, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। आपको कभी कोई प्लानिंग की जरूरत पड़े तो मैं मेरा नंबर दे देता हूँ जी जी जी, मैं उसका बिल्कुल हमारे दर्शक आपके पास मैं आपको बागवानी संबंधी मैं पूरा सर्वज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी जानकारी मेरे पास है मैं वो हमेशा शेयर करने के लिए तैयार रहता हूँ और रहूँगा। तो आपको जब भी किसको प्रॉब्लम आए बागवानी से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ समय सवेरे 10:30 से शाम को 7:30 बजे तक रहेगा, बीच में 1-2 लंच आवर है, बाकी आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर बागवानी के आपने प्लानिंग के बारे में बताया तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगते होंगे, कुछ और प्रक्रिया लगती होगी? हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स तो सर इसके लगते हैं। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले खुदाई के लिए आपको एक टिकास लगेगी और चिकिंग फोक लगेगा, उसके बाद आपको फावड़ा गमेला टिकास लगेगा, फिर बीज लगाने के लिए कुछ लगेगा, जैसे बुआई कर रहे हैं बुआई के लिए आपको सीडलिंग ट्रे लगेगा जी, मैं सबके फोटो आपको अलग से दे दूँगा। और इसकी बहुत महत्वपूर्ण औजार तो आपके पास चाहिए जी। उसके बाद में आप बीज बोने के लिए आपको अलग अलग पौधे तैयार करने के लिए सीडलिंग ट्रे चाहिए, सीडलिंग ट्रे में पौधे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और अच्छे हेल्दी तैयार होते हैं सारी चौधे हमारे इसका लोग भी। और फिर आपको जब इनको बड़ा करना अपनी बुआई होगी उसके बाद में क्या क्या खाद आपको लगने, फिर मैं उसका एक बताता हूँ आपको। जैसे अपन 3 भाग में डिवाइड कर ले, फल सब्जियाँ फूल और बड़े पेड़। तो बड़े पेड़ जो लगाते हैं संतरा है, नीम है, नींबू है, आम है, चीकू है, तो इसमें आपको बड़ा गड्ढा करना पड़ता है 2 से 2.5 फुट का, उतना ही चौड़ा उतना ही गहरा। उसमें नीचे कंकड़ पत्थर डाल दीजिए, खाद भर दीजिए और मिट्टी ऊपर भरिए। एकदम नीचे खाद इसलिए भरते हैं कि
यदि आप पौधा लगाते हैं और ऊपर खाद डालते हैं तो उसकी जड़ें ऊपर रहेंगी, यदि आप ये लगाते हैं खाद नीचे रखते हैं जड़ें इन सर्च ऑफ फूड अपना अंदर ढूंढते ढूंढते नीचे तक चल जाएगी। तो जब बारिश कम होगी या जोर से हवा चलेगी तो पेड़ सर्वाइव कर जाएगा, मरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। ऐसे ही सब्जी में आपको लोकेशन में बताया कि हमारे पास चार्ट है, मैं आपको दूंगा सीजन वाइज आप क्या सब्जी लगती है उस हिसाब से आप लगाइए, सीजन वाइज फूल लगाइए। एक चीज़ मैं आपको और मजे की बताता हूँ, नागपुर में जैसे फूल हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते जी, पूरे विश्वास के साथ। हमारे देश का सौभाग्य है या यहाँ के पर्यावरण वातावरण का भी है, यहाँ के लोगों का भी है, यहाँ के लोग भी बागवानी में बहुत इंटरेस्ट है जी। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरे पास डाटा नहीं है जी जी जी, लेकिन 10 में से 9 घर में बगीचा मतलब कुछ तो पौधे हैं, कुछ पेड़ उनके घर में। और इसकी वजह से नागपुर के लोग एजुकेशन में भी काफ़ी ये है जी। तो अपन ने इसको और बढ़ाया है तो दुनिया में भी अपन इसको आगे ले जा सकते हैं, कंसेप्ट यदि दिया। आज अपन कोल्ड ड्रिंक का ये है जो चीज़ें नुकसान करती हैं उसके वजह अपन अमृत बांट रहे हैं, तो जितना अमृत बांटेंगे जितना आप लोगों का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। अब किस रूप में भला करेंगे ये तो वो जानता है जी, मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। तो आपको ये अच्छी चीज़ है जिसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ यहाँ अच्छे माली ट्रेनिंग सेंटर भी होने चाहिए जी, तो नागपुर के माली सारे हिंदुस्तान में छा जाए जी जी जी, ये उनको बहुत बड़ा बिजनेस है मिले और ये इसे रोजगार की भी रोजगार तो इतना है सर कि जितने माली ट्रेंड है एक भी माली खाली नहीं, और हर एक के पास 50% मालियों के पास जो खुद का बिजनेस करते कार भी है, तो वो इतना पोटेंशियल बिजनेस है और हेल्थ भी अच्छी रहती है जी जी, और क्या ना पैसा भी है हेल्थ भी है सब बढ़िया सब कुछ आपको। और ये ऐसा इतना अच्छा बिजनेस है नेक्स्ट टू IT जी, इतना पैसा और काम नहीं है सर। हमारे पास में समय की कमी है लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल और बनता है मेरा कि हमने बगीचा लगा लिया, हमने बागवानी के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन एक जैसे हम अगर परिवार की बात करें तो एक परिवार में एक बच्चे को बड़ा करना या एक हो दो बच्चे हो उनको बड़ा करना, ये अपने आप में एक संस्कार हो और बाकी मैं शॉर्ट में ये बिल्कुल, तो ये बागवानी को भी हमको मेरे इतने साल का अनुभव का निचोड़ 3 मिनट में देता हूँ सर जी। बागवानी के लिए आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, हफ्ते में एक बार आपको गुड़ाई करना, बगीचा साफ रखना, सूखे पत्ते निकालना, अनवांटेड प्लांट्स जो है उसमें निकालना है, और जैसे अपन बच्चों को साफ करते हैं या घर को साफ रखते हैं सब बगीचे को साफ रखना, कचरा नहीं होने देना, बगीचे के हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा है आपको हफ्ते में एक दिन स्प्रे करना है, एक दिन गुड़ाई करना है, एक दिन स्प्रे करना है, एक दिन सफाई करना है, तो आपका 90% काम होगा। स्प्रे करने में ऐसा है यदि सब्जियाँ हैं तो नॉन पॉइजनस स्प्रे कीजिए, फूल है तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पॉइजनस आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए तो ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनिक स्प्रे आजकल सब मिल रहे हैं, आप किएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक और बड़ी मजे की बात, तो हफ्ते में एक दिन आपको गुड़ाई करना है, एक दिन जो बड़े झाड़ उसमें पानी देना है, गमले के झाड़ में डेली पानी देना है, और महीने में एक बार थोड़ी खाद देना है जी, तो इसमें आपके 90% काम हो जाएंगे और आपका गार्डन मेंटेन। इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो स्प्रे करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक दो दवाइयाँ, नीम का तेल है, बेकिंग सोडा है, सर्फ है, मिला के आप स्प्रे करते रहिए रेगुलर 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच, तो आपको 90%। और ये गोशक्ति करके गौमूत्र से हमने बनाया जी, ये गोशक्ति भी एक गजब की चीज़ है सर। आप बारिश चालू हो या नहीं उसको रेगुलर स्प्रे कीजिए, आपका बगीचा मस्त रहेगा, बगीचा के खेती भी मस्त रहेगी। आप धान में लगाइए, लॉन में लगाइए, कोई भी चीज़ में लगाइए, इतना छोटा सा उपाय है लेकिन इससे जो है इससे एकदम आपकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी, और इतना सस्ता है कि इसका सस्ता कोई हो ही नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता, और जिससे आसान भी है, पॉइजन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर चलते चलते एक भावनाओं की मैं बात करना चाहूँगा, हम परिवार से प्यार करते हैं और बागवानी से तो हम लोग ये जो पेड़ वगैरह हम लगाते हैं उनसे भी हमारा एक प्यार भरा लगाव हो जाता है। आप अपने इस बगीचे को कैसे प्यार भरे नज़रों से देखते हैं, क्या प्यार भरा संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? सर मैं ये सीधी सीधी बात करना चाहूँगा, पौधों में भी जीव है या बताने की जरूरत नहीं है जी, और पौधों को प्यार करें उसके बाद जाए समझे तो बोलते भी है,
जी बोलते मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं बोलते, पत्ता मुरझा रहा है, सूख रहा है, कुछ हो रहा है, तो ध्यान दे तो पत्ते आपको समझ में आ जाते हैं कि क्या चाहिए इसको। यदि आपको ये आप पौधों से प्यार करते हैं तो सब लोग आपसे प्यार करेंगे। आप पौधों की भाषा समझने लगे तो बच्चों की भी समझेंगे और सबकी समझेंगे तो सब लोग आपसे प्यार करेंगे। आप सबसे प्यार करेंगे तो रेसिप्रोकल प्यार आपको मिलेगा। तो आपको कभी कोई चीज़ की पैसे की मैं नहीं बोलता कि अरबपति खरबपति हो, लेकिन ऐसे जो जनरल एक स्वाभाविक आदमी को हेल्दी आदमी को अच्छी चीज़ चाहिए वो सब हमेशा मिलती रहेगी बागवानी वालों को। मैं आपके ऊपर से तो ऐसे ही कह सकता हूँ जी। और ऐसे मेरे जैसे ने आप कहीं भी एग्जाम्पल मैंने बोला भी खुला मेरा निमंत्रण, आप जाइए घर पर देखिए जिसका बगीचा उसके तीनों चीज़ें है कि नहीं है तो बागवानी कीजिए, नहीं तो आके बोलिए बागवानी नहीं करनी। ये खुला खुला कुछ किसी छुपाने की बात नहीं, कुछ नहीं, जब कुदरत देती है और जो ऑब्जर्वेशन है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका जितना प्रचार होगा उतना सबका भला होगा, इसमें नुकसान किसी का होने वाला नहीं है। वो बागवानी कीजिए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और होशियार बनिए। मैं दर्शकों को चलते चलते यही बताना चाहूँगा, बारिश का मौसम कब आ रहा है, जब भी हम घर से बाहर निकलते थे हमारी नज़रों को एक अच्छी सी हरियाली दिखती है, वही हरियाली कहीं ना कहीं हम हमारे घर में भी पन पाते हैं। जब हम इस हरियाली से प्यार करेंगे उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। देश हमारा हरित क्रांति के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में, तो हमें प्यार करना है प्रकृति से। जैसा कि सर ने भी कहा कि 40 लाख लोगों की मृत्यु केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करने से होती है, तो कहीं ना कहीं हमें इसे रोकना है, हमारा दायित्व हमें समझना है। रोजगारों के अवसर है, एक उज्ज्वल भविष्य इस क्षेत्र में बागवानी को प्राथमिकता देना हम सबका कर्तव्य है। मैं सर का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और ऐसे ही हम बात करते रहेंगे और सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।